गुरु लोगों को लगता है दिमाग के तार सिर्फ करंट ही खोल सकता है, मगर ऐसा नहीं है, कुछ काम एक कटहल भी कर सकता है। नहीं पता ना, चलो मैं बताता हूँ आपको। हाँ गुरु, आज मैं बात करूँ कटहल मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक कॉमेडी मूवी नहीं होने वाली। कॉमेडी मूवी के साथ जो एक इन्होंने सीरियस मैसेज देने की कोशिश करी हम लोगों को, सच में गुरु मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया इस मूवी से। यकीन मानो गुरु, मजा आ गया मुझे मूवी देखकर। गुरु आपकी नजर में कोई मूवी या कोई वेब सीरीज जब भी अच्छी होती है जब उसकी कहानी से आप लोग कनेक्ट हो पाओ, वरना सारी दुनिया आपको बेवकूफ बनाने पे लगे पड़ी है। ये मत देखो, वो मत देखो, देखो उसके बाद बताओ बुक कैसी लगी। गुरु ये कहानी होने वाली है अंकल होम ब्रीड के दो कटहलों की। हाँ गुरु, ये कोई नॉर्मल कटहल नहीं है। अगर इस कटहल का तुमने अचार बनाकर किसी सीएम को खिला दिया तो वो तुम्हें एमएलए बना देगा, इतनी पावर रखता है कटहल। सुनते मजा आ गया ना भाई। हाँ तो भाई, यही है इस मूवी की बेहतरीन कहानी, सच में तुम्हारे दिल को ना छू जाए तो गुरु कमेंट में बता देना। गुरु ये मूवी आपको सब कुछ सिखाती है कि आप दुनिया की नजर में सही होने के बाद भी खुद की नजर में कितने गलत थे, और ये देखने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। और सिर्फ यही वजह नहीं है इस मूवी को देखने के लिए, इसमें क्यूट सी लव स्टोरी भी दिखाई है, और भाई मुझे वो सच में बहुत ही पसंद आई है, तो राइम हो गई। गुरु इस मूवी को कॉमेडी मूवी बोलकर बेका गया हम सबको, मगर इस मूवी में कोई भी कैरेक्टर खुश नहीं है, और यही इस मूवी को बाकी सब मूवी से अलग बनाती है। इस मूवी की कहानी की स्टार्टिंग ही दुख से होती है, और गुरु यही देखने मजा आता है। गुरु इसकी स्टार कास्ट भी बहुत अच्छी है भाई, सबने अपनी अपनी जगह ना बहुत अच्छा काम करा है। कौन कौन, अब ये भी सुन लो, अनंत वी जोशी, नेहा सरफ, राजपाल यादव, विजय राज, विजेंद्र काला, गोविंद पांडे, और भाई इस मूवी की जान और मेरे फेवरेट सान्या मल्होत्रा। गुरु मेरा तो क्रश है भाई ये। अब और भी कोई वजह चाहिए क्या तुमको ये मूवी देखने के लिए? इतनी काफी नहीं है क्या? तो फिर जाओ और देखो। और जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, 1 2 3 4 चारों आ गई ना, तो देख लो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और भाई जो भी तुम्हें क्यूरी हो अपनी या मन में शंका हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो कमेंट में बता देना, मैं पढ़ के रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं फिर।